आपके साथ दूसरा और सबसे पहले बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से, जहां वित्त आयोग की टीम का छत्तीसगढ़ दौरा का आज अंतिम दिन है। टीम की आज शाम दिल्ली वापसी होगी। सुबह 10 बजे के करीब साढ़े लगभग 1:30 बजे तक मंत्रालय में सीएम भूपेश बघेल के साथ वित्त आयोग की बैठक होगी और राज्य सरकार की ओर से कई मांगे रखी जाएंगी सीएम भूपेश बघेल के सामने। और नरवा गुरवाबाड़ी प्रोजेक्ट के लिए 22,000 करोड़ की मांग कर सकते हैं सीएम भूपेश बघेल। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं वित्त आयोग की टीम, और कल भी वित्त आयोग की टीम ने कई विभागों की बैठकें ली थी। और ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हेमंत, वित्त आयोग की टीम का आज आखिरी दिन है जिसमें वो दौरे करेंगे और आज एक विशेष बैठक भी है, कितनी खास ये बैठक रह सकती है? देखिए, दूसरा मंगलवार को जो केंद्रीय वित्त आयोग की टीम है वो 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर यहाँ पहुंची हुई थी और कल लगातार उन्होंने विभिन्न विभागों की बैठक ली थी, चाहे वो पंचायत विभाग की बैठक हो, नगरीय निकाय, पुलिस विभाग, अटल नगर विकास प्राधिकरण और जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनके साथ भी बैठक कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली थी। महापौरों की बैठक में देखने को मिला था दूसरा कि जो रायपुर के महापौर है प्रमोद दुबे, उन्होंने प्राथमिकता से जो जनसंख्या में करीब 249 तालाब हैं लेकिन उनकी जो स्थिति है वो काफी दयनीय है, तो उनके संवर्धन के लिए विशेष पैकेज की मांग वहां पर प्रमोद दुबे ने की थी। इसके अलावा जो बिलासपुर के महापौर हैं किशोर राय, उन्होंने भी जल संवर्धन का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। इसके अलावा जो आवारा कुत्तों का मामला है के जमाने में अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काटता है तो उसका जो इंजेक्शन है वो 3 से 4 हजार रुपए का आता है, तो ऐसे में उन्होंने विशेष पैकेज की मांग वित्त आयोग के सामने रखी थी। लेकिन सबसे जो बवाल मचा था वित्त आयोग की बैठक में वो राजनीतिक दल के साथ जो सरकार है वो 2500 रुपए समर्थन देकर धान का जो भंडार है वो क्यों भर रही। इसके बाद विभिन्न राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या बसपा हो या सपा हो, सभी ने एक शोर से आवाज उठाई कि ये बात कहना गलत है। और एक तरीके से कल राजनीतिक दल की बैठक में वित्त आयोग की टीम को तो हंगामा झेलना पड़ा था, कोई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था। लेकिन उसके बाद पुलिस विभाग की बैठक उन्होंने ली थी, नक्सल मोर्चे पर खुले तौर पर चर्चा हुई, विशेष पैकेज की मांग की गई। इसके अलावा अटल नगर विकास प्राधिकरण की भी बैठक कल हुई थी। नया रायपुर का विजिट भी वित्त आयोग की टीम ने किया था। इसके अलावा फील्ड में जाकर सरकार के कामकाज को उन्होंने देखा है। और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आज वित्त आयोग की बैठक का अंतिम दिन है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मंत्रालय में बैठक होगी। ये उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो सबसे बड़ी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरुवा घुरवा बारी, उसके लिए 22,000 करोड़ रुपए की विशेष पैकेज की मांग कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जोर शोर से राज्य सरकार काम कर रही है, गोठान बनाने का काम कर रही है, हर ग्राम पंचायतों में ये गोठान बनाया जा रहा है, तो इसके लिए विशेष पैकेज की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा और कई भिन्न प्रकार की छोटी छोटी मांग है वो उनके सामने रखेंगे। इसके अलावा उस बैठक में कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे और उसके बाद जो वित्त आयोग की टीम है, वैसी हमें जानकारी मिल रही है कि अपने दौरे को लेकर क्या क्या उन्होंने दौरे में क्या पाया, क्या मांगे की गई लोगों के द्वारा, चाहे अलग अलग विभाग के हों चाहे मुख्यमंत्री की ओर हो, मुद्दों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने रख सकते हैं। उसके बाद उनकी आज दौरे का अंतिम दिन है तो देर शाम वो दिल्ली के लिए लौट जाएंगे। जी, जैसा कि हेमंत, इन 3 दिन के दौरे में आयोग ने इस बात पर निगरानी रखी है कि जो योजनाएं चल रही हैं वो ठीक तरीके से चल भी पा रही हैं या नहीं। इस बीच जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री जो है नरवा गुरवाबाड़ी प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 22 करोड़ रुपए की मांग भी वो आज कर सकते हैं, लेकिन इनके अलावा और कौन सी ऐसी योजनाएं जिनको खास तौर से जिनके लिए मुख्यमंत्री मांग रख सकते हैं? Yeah.
देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है बुसरा, और उस मुद्दे को कल दोनों महापौर, रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे और बिलासपुर के महापौर किशोर राय, ये दोनों ने जल संवर्धन का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, क्योंकि ये आम बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में ये हमेशा से लोगों को पता है, और जानकार भी ये बताते हैं कि जो जल संकट है वो छत्तीसगढ़ में काफी विकराल रूप लेता है। अभी जिस तरीके से जुलाई के महीने में बारिश छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही है, अकाल जैसी स्थिति यहाँ पर बन रही है, और इसके अलावा जुलाई का महीना है, तो ऐसे में स्थिति काफी गंभीर है। और हमेशा गर्मी के जो सीजन है उसमें रायपुर और जैसे बिलासपुर बड़े शहर हैं छत्तीसगढ़ के, उनमें काफी दिक्कत आती है। लोगों को पानी के लिए काफी मुसीबत झेलनी पड़ती है, लंबी लंबी लाइनें मोहल्लों में लगी रहती है पानी के लिए। तो ऐसे में जो जल संवर्धन का मुद्दा है वो भी काफी बड़ा है, और इसके लिए विशेष पैकेज की मांग की गई थी। इसके अलावा जो है उनके लिए भी विशेष पैकेज की मांग। तो ये दो मुद्दे हैं जिनका जो शोर से कल उठाया गया था, और जो महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की नरवा गरुआ घुरुआ बारी, उसको लेकर विशेष पैकेज की मांग जरूर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे, क्योंकि वित्त आयोग की बैठक जब दिल्ली में हुई थी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें थे, वित्त मंत्री उसमें थे, इसके अलावा अलग अलग अधिकारी उसमें थे। उन्होंने उस बैठक में साफ तौर पर नरवा गरुआ घुरुआ बारी योजना को विस्तार से बताया था और कहा था कि ये महत्वाकांक्षी योजना है और इसका पालन अन्य राज्यों को भी किया जाना चाहिए। तो ये जोर शोर से वहां पर ही भूपेश बघेल ने उठा दिया था, और यहाँ वित्त आयोग की टीम पहुंची है वस्तु स्थिति की जानकारी के लिए। हालांकि विशेष पैकेज की मांग तो होगी, लेकिन फील्ड में जाकर राज्य सरकार के कामकाज को भी वित्त आयोग की टीम ने देखा है। जो अलग अलग सदस्य उनके आए, उन्होंने फील्ड में जाकर भी वस्तु स्थिति की जानकारी ली कि आखिरकार जो योजना चल रही है राज्य सरकार की वो कितनी प्रभावी है, क्या उसमें कमी है, क्या प्रभावी तौर पर वो काम आ रही है योजना, सभी चीजों को लेकर फील्ड में जाकर उन्होंने कामकाज को देखा था। तो आज मुख्यमंत्री के बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी चीजों को वित्त जो आयोग वो मीडिया के सामने रख सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक हो सकती है हेमंत? देखिए सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मंत्रालय में मुख्यमंत्री के साथ बैठक है, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि मंत्रालय में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और लगभग उस समय 3 बजे के आसपास होगा, क्योंकि शाम के 5 से 5:30 बजे के आसपास जो वित्त आयोग की टीम है वापस उनको दिल्ली जाना है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि 3 बजे के आसपास वो उनका दौरे में क्या उन्होंने पाया, क्या कुछ मांगे रखी गई, सब चीजों को 3 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने रख सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत।